आज मैं रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर होने वाला मोस्ट पॉपुलर डिश बटर चिकन बनाऊंगी। बटर चिकन हम ज़्यादातर बोनलेस चिकन से ही बनाते हैं, बट मैं आज इसे चिकन लेग से बनाने वाली हूँ। इस डिश का मेन पार्ट होता है चिकन मैरिनेशन, चिकन को फ्राई करना और बटर चिकन की ग्रेवी। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो चिकन लेग पीसेस लिए हैं। सबसे पहले इसमें जीरा लगा लेंगे। इसके बाद चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सूखा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आमचूर पाउडर, काला नमक और साथ में नॉर्मल वाला नमक भी स्वाद अनुसार डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, साथ में बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे फ्रेश दही। इसके बाद हमें सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मैरिनेट बिल्कुल तैयार है। अब जो चिकन का लेग पीसेस था, इसमें ये मसाले बहुत अच्छी तरह से हमें लगाना है, बिल्कुल मसाज करते हुए लगाना है। पूरे चीरा के अंदर इस मसाले को अच्छी तरह से घुसा घुसा के लगाना होगा। इसके बाद हमें इस चिकन को कम से कम आधा घंटे के लिए मैरिनेट करना होगा। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे 2-3 घंटे तक भी मैरिनेट कर सकते हैं। इससे चिकन और भी ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। आधा घंटा चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब इसे हमें स्मोक लगाना होगा। तो एक स्टील का प्लेट मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच रख रही हूँ। अब इस प्लेट के ऊपर जलता हुआ कोयला रख देंगे और कोयले में ज़रा सा घी डालते ही आप देखिएगा कोयले से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। उसी वक्त एक स्टील के प्लेट से इसे कवर कर देंगे। अब हमें चिकन को 10 मिनट तक स्मोक में ही रखना होगा। इस बीच चलिए बटर चिकन के लिए मसाले का बेस रेडी कर लेते हैं। तो मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें थोड़ा साबुत जीरा डालकर इसे भून लेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालकर इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें कुछ लहसुन की कलियां, कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा कटा हुआ मिर्ची डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को लो में रखते हुए इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें डालेंगे नमक। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे कुछ काजू और सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बटर। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पैन को कवर करके हमें इसे लो फ्लेम में तब तक पकाना होगा जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए, और बीच बीच में चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। ये देखिए, करीब 8-10 मिनट से ये लो फ्लेम में पक रहा था। टमाटर पूरा गल चुका है। मसाले का बेस बिल्कुल रेडी है। अब गैस बंद करेंगे। मसाले को ठंडा करने के बाद इसे एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इसमें ज़रा सा पानी डाल के इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इस तरफ चिकन में जो हमने स्मोक लगाया था उसका प्लेट हटा देंगे। अब हमें चिकन फ्राई करना होगा। फ्राइंग पैन में बटर डालेंगे और इसे हमें लो फ्लेम में जस्ट पिघला लेना है। जैसे ही बटर पिघल जाए, बहुत ही सावधानी से मैरिनेट किया हुआ चिकन के लेग पीसेस इसमें डाल देंगे। अब हाई फ्लेम में चिकन के एक साइड को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद चिकन को सावधानी से पलटेंगे और इसके दूसरे साइड को भी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद चिकन को पलटेंगे। ये देखिए, चिकन ऊपर से हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, लेकिन ये अंदर से कच्चा है। लेग पीसेस को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है,
इसीलिए अब हम इसमें ज़रा सा बटर डालेंगे और पैन को कवर करके इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। 5 मिनट के बाद चिकन लेग पीसेस को फिर से पलटेंगे और इसके दूसरे साइड को भी पैन को कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाना होगा। अगर आपको लगे कि आपका चिकन जो है ड्राई हो रहा है तो आप इस बीच इसमें ज़रा सा बटर डाल सकते हैं। मैं चिकन को पैन में तंदूरी जैसे बनाते बिल्कुल उसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद चिकन को पलटेंगे, फिर से पैन को कवर करके इसके दूसरे साइड को लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 बार और करना पड़ेगा, यानी कि अभी हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर से इसे पलट के हमें दूसरी बार इसे 5 मिनट के लिए पकाना होगा। टोटल 20 मिनट हम इसे लो फ्लेम में पैन को कवर करके पकाएंगे, तब जाके हमारा ये चिकन का जो लेग पीस है वो अंदर तक पक जाएगा। टोटल 20 मिनट तक हमने चिकन लेग पीसेस को पैन में कवर करके लो फ्लेम में पका लिया है। चिकन अंदर तक पक चुका है और देखने में बिल्कुल पैन में जो तंदूरी बनता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब यह चिकन को हम अलग कर लेंगे। अब हम बटर चिकन का ग्रेवी बनाएंगे, तो पैन में मैं बटर डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं इक्वल क्वांटिटी में रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। दोनों को एक ही साथ गर्म कर लेंगे। अब फ्लेम को लो में रखते हुए इसमें डालेंगे ढेर सारा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और मसाले को लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो मसाला पेस्ट रेडी किया था उसे डायरेक्ट पैन में छान के डाल देंगे, क्योंकि बटर चिकन का जो ग्रेवी होता है वो एकदम सिल्की स्मूथ बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला होता है, इसीलिए मसाले को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेम बिल्कुल लो में रहना चाहिए। मैं इस छन्नी में 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर पैन में आ जाए। ये देखिए छन्नी के ऊपर मसाले का कुछ हिस्से है, इसे फेंक देंगे। ये देखिए बटर चिकन का ग्रेवी रेडी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हल्का बॉयल आने देंगे। ये देखिए ग्रेवी में हल्का हल्का बॉयल आ गया है। अब हम इसमें बटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस ग्रेवी में फ्राई किया हुआ चिकन लेग पीसेस डाल देंगे। अब चम्मच से थोड़ा थोड़ा ग्रेवी लेंगे और चिकन के ऊपर डाल के इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब पैन को कवर करके इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद चिकन को पलटेंगे और चिकन के दूसरे साइड को भी अगेन मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए पैन कवर करके पकने देंगे। 2 मिनट पका लेने के बाद अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के लिए ये फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी बटर। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद इसे ज़्यादा ना पकाएं, बस इसके अच्छी तरह से मिक्स हो जाने तक हमें इसे चलाना होगा। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा बटर चिकन बिल्कुल रेडी है। इसमें ज़रा सा बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते छिड़क कर हम बटर चिकन को सर्व करेंगे। बटर चिकन और नान पराठा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी बटर चिकन की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।